वेलकम अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन PR Play। मैं हूं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि गाड़ी में एंटर होने से, कार में एंटर होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम ड्राइव स्टार्ट करने जाएं उससे पहले। तो उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सेट योर मिरर। अपना मिरर नहीं, मतलब कार का मिरर कैसे सेट करें इसके बारे में हम जानेंगे। ये मैंने बताया था, तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं बता दूं ये थर्ड पार्ट है, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिए। ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, तो आप उसे जाके देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चलिए चलते हैं मिरर पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गाड़ी में तीन तरह के मिरर होते हैं। जी हाँ, तीन तरह के मिरर होते हैं, आपको नहीं पता तो जान गए हैं। और इसे कहते हैं ORVM, या तो आप रेयर व्यू मिरर तो सबको कहते हैं वैसे तो। ORVM इसे क्यों कहते हैं, ये आउटर रेयर व्यू मिरर है, और इसे IRVM कहते हैं क्योंकि ये इंटीरियर में है, तो इंटरनल रेयर व्यू मिरर इसे कहते हैं। तो इनको किस तरह से सेट किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ कारों में जो है, आजकल सभी कारों में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM देखने के लिए मिलता है, बटन होते हैं ज़्यादातर गाड़ियों में, यहाँ डोर पे होते हैं जिन्हें हमें एडजस्ट करना होता है, और उसके थ्रू जो है मिरर आपका ऑपरेट होता है, आपको हाथ से उसे मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता। पहले की गाड़ियों में उसे मैन्युअली ही ऑपरेट करना पड़ता था, तो जैसा कि इस गाड़ी में है मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है हमें। बाकी जो आपका सेंटर मिरर है यानी कि आपका IRVM है, इसे तो हमें हाथ से ही किसी भी गाड़ी में मैन्युअली ही ऑपरेट करना होता है और एडजस्ट करना होता है मतलब। तो इन्हें कैसे सेट किया जाए, इसका सही टेक्निक क्या है, इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको कई मिरर में जो है यहाँ पे मेंशन मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट आपको जितना पास दिख रहा है हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा पास हो। यानी कि ये जो मिरर हैं वो दो तरह के आते हैं जो हल्के से बेंड होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो गाड़ियों में यूज़ होता है, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, या इवन आपके टू व्हीलर हो, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है इमेज जो है वो छोटी दिखाई देती है पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर पाती है। तो हो सकता है कि आपको वो इमेज जो है यानी कि वो जो पीछे से गाड़ी आ रही हो या कुछ भी चीज़ ऑन रोड, तो वो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि मिरर में दूर है पर वो होती पास है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है। तो चाहे ये मिरर हो और चाहे ये मिरर हो, दोनों यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही हैं, पर कॉनकेव का भी इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में। वो कहाँ किया जाता है, वो आपकी कार की हेडलाइट में किया जाता है। जी हाँ, वहाँ हल्के से जो बेंड होता है वो अंदर की तरफ जाता है, तो उन्हें कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। एक तरह से वो मिरर नहीं है, वहाँ पे तो गिलास यूज़ हो रहा है। तो चलिए ये तो हो गई टेक्निकल बातें, अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो है कि इन्हें सेट कैसे किया जाए। तो उसके बारे में जानते हैं क्या ट्रिक हमें आजमाना चाहिए ताकि हम अपने कार के मिरर को है जो है इजीली सेट कर पाएँ, ऑपरेट कर पाएँ, और साथ ही साथ उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ ड्राइव के दौरान, जब हम रियर में अपनी गाड़ी ले जा रहे हों या तो कहीं पार्क कर रहे हों। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो IRVM है यानी कि जो इंटीरियर में मिरर है आपका सेंटर मिरर, उसे कैसे सेट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें तो आपको जो पीछे वाला गिलास है, एकदम आपकी कार के पीछे वाला गिलास, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो ये विंडशील्ड जो है पीछे की तरफ, इसके हिसाब से आपको अपने जो सेंटर मिरर है उसको सेट करना होता है ताकि आपको पीछे का जो व्यू जो है वो इजिली दिखा देख पाएँ आप, और रियर में गाड़ी ले जाते समय जो है वो आप को ज़्यादा परेशानी ना हो। और सेंटर में कोई चीज़ आती है जो कि आपको मैं बता दूं कि इन मिरर के लिए वो ब्लाइंड स्पॉट रहती है, तो वो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख जाती है। तो ब्लाइंड स्पॉट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सरल शब्दों में बता दूं कि ब्लाइंड स्पॉट उसे कहते हैं जो एरिया आपके ये जो मिरर हैं वो कवर नहीं कर पाते। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी के ठीक पीछे बीचों बीच कोई टू व्हीलर खड़ी है जो कि आपके रेयर व्यू मिरर, आउटर रेयर व्यू मिरर, साइड मिरर में नहीं दिख रही है। तो ऐसे में आपका हेल्प कर सकता है आपका जो IRVM है यानी कि सेंटर मिरर है, उसमें वो चीज़ दिख सकती है, उस बात की थोड़ी बहुत उम्मीद है। हालांकि कुछ ऐसा एरिया भी रहता है जो आपके साइड मिरर प्लस आपके सेंटर मिरर भी कवर नहीं कर पाते, पर आप अगर इसे अच्छे से सेट करें
तो कम से कम ना के बराबर ब्लाइंड स्पॉट रहने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी IRVM यानी कि सेंटर मिरर को कैसे सेट करना है, जो कि काफ़ी ईजी था। उसकी बाद अब बात करते हैं आपकी ORVM यानी कि साइड मिरर्स पे, चाहे वो लेफ्ट साइड वाला हो चाहे आपके राइट साइड वाला हो, तो दोनों को एक ही तरीके से सेट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें टेक्निकल थोड़ा आपको समझना होगा कि आपको किस तरह से इसे सेट करना है। एक बार आप समझ गए तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा इसे सेट करना। आपको बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर का एरिया देखना ज़रूरी होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का ही आपको दिखाई दे, थोड़ा बहुत आपका कार का बॉडी भी मिरर में आपको दिखनी चाहिए। साथ ही साथ नीचे भी थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, क्योंकि आप अगर पीछे कर रहे हैं तो ठीक पीछे कुछ ऐसा गड्ढा है, कुछ है जो आपके टायर के सामने आने वाला है या पत्थर है, तो वो आपको नीचे की तरफ भी थोड़ा बहुत दिखना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको ऊपर की तरफ भी दिखना चाहिए। तो ये कैसे सेट करना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कार की बॉडी जो है वो आप कोशिश करिए कि 20% आपको दिखाई दे, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है ही नहीं। तो 20% दिखाई दे, उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कार की बॉडी जो है वो अब मैंने इस तरह से मिरर सेट कर लिया है कि 20% ही दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप इस तरह से सेट कर रहे हैं कि 20% ही आपका कार की बॉडी दिखाई दे रही है आपको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80% जो है बाहर का एरिया दिखाई देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर का एरिया दिखाई देगा तो बाहर का एरिया कवर हो पाएगा। 20% बॉडी कार की इसलिए दिखनी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल सके कि आपकी कार से वो पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी कितनी दूर है और कितने फासले पे है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको 20% जो है अपनी कार की बॉडी को भी इस मिरर में शो करना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ऊपर नीचे कैसे करना है। जैसे ऊपर नीचे, ये तो साइड की बात हो गई है, तो साइड की बात जो है वो दोनों तरफ लागू होती है, चाहे आपका लेफ्ट मिरर हो चाहे राइट मिरर हो, आपको दोनों को इसी तरीके से सेट करना है। बाकी जो ऊपर नीचे की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि 80% और 20% में यहाँ पे साइड की बात हुई है, ऊपर और नीचे में बात होगी 60 और 40 पे। जी हाँ, 60% और 40% पे ये स्प्लिट होगा। तो कैसे स्प्लिट होगा, कौन सा एरिया आपको ज़्यादा रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 60% पे रखना है वो आपको नीचे का एरिया रखना है, यानी कि आपके कार के जो टायर हैं वो थोड़ा बहुत पीछे वाला दिखना चाहिए, ताकि आपको रिवर्स करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कार के टायर जो है, अगर आपको शो हो रहा हो तो मैं बता दूं कि दिख रहा है, पर कार का टायर नहीं, मतलब जैसे क्लैडिंग हो या पहाड़ का पार्ट हो वो दिख रहा है। जैसे कि मैं गाड़ी से उतर के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये दिख रहा है। तो अचानक से अगर कुछ ऐसा गड्ढा आता है या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट आता है तो वो मुझे इजिली यहाँ पर दिख पाएगा। तो इसीलिए जो है आपको अपने कार के मिरर में जो साइड मिरर है उसको 60% नीचे रखना है और 40% ऊपर भी रखना है, ठीक है। 60-40 पे ये पे स्प्लिट इसलिए होगा क्योंकि आपको, अगर आप ऊपर का एरिया नहीं दिखाएंगे, बस नीचे का एरिया दिखाएंगे, तो आपको दूर से आने वाली जो गाड़ियां हैं वो यहां पे कवर नहीं हो पाएंगी और आपको पता नहीं चल पाएगा, पहले से अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आपको कितना सेफ डिस्टेंस में रहना है। या आप अगर जैसे टर्न, किसी लेन में टर्न करने जा रहे हैं या आप सड़क मोड़ आ गया है तो आप मुड़ने ही जा रहे हैं उस मोड़ पे, तो आपको पहले से अंदाज़ा नहीं रह पाएगा अगर आप 40% पे उसे नहीं रखते। तो इसलिए 40% पे भी रखना ज़रूरी है, ऊपर का एरिया भी दिखना ज़रूरी है। अब बात आती है किस तरह से अंदाज़ा लगाएं हम कि हमने 60% पे रखा है, 40% पे रखा है या 80% पे हमें रखना है और हमें यहाँ 20% पे रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कार की बॉडी जो है आपको जहाँ तक दिखाई दे रही है, लास्ट जहाँ तक दिखाई दे रही है, वहाँ से आपको सेंटर पॉइंट रखना है और उसके हिसाब से आपको 20% और 80% पे यहाँ पे स्प्लिट करना है, उस हिसाब से आपको सेट करना है। वहीं ऊपर नीचे की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक लास्ट एंडिंग तक आपको सड़क दिख रही है, वो सड़क कि जो लास्ट बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है वो आपको समझना है कि सेंटर है, और उसके बाद वहाँ से आपको नीचे की तरफ 60% और ऊपर की तरफ 40% पे रखना है, और आप अच्छे से अपने मिरर को सेट कर पाएंगे अगर आप इस तरह से सेट कर रहे हैं और आपके कम से कम जो है ब्लाइंड स्पॉट रहने वाला है, ताकि पीछे का इमेज जो है वो इजिली कवर हो पाए। और उसी तरीके से आपके जो लेफ्ट साइड वाला मिरर है उसे भी आपको सेट कर लेना है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आपके कार के मिरर को आपको कैसे सेट करना है, उसकी सही टेक्निक क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और जब से डिसलाइक का बटन हटा है तो आप लोग ने लाइक करना भी कम कर दिया है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक, कम से कम 100 लाइक तो दे ही सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर आप 100 लाइक देते हैं तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बताने जा रहे हैं कि कार का जो कैबिन है उसके अंदर की जो फंक्शन है उसको किस तरह से ऑपरेट करना है,
उनका क्या काम है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रहने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। सी यू अगेन।